हम चिल्ड्रन, आज मैं आपको बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज के विषय में बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी को क्या क्या बेनिफिट होते हैं उसके विषय में मैं आपको बताऊँगा। चिल्ड्रन, अपनी बॉडी को सही रखने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। चिल्ड्रन, एक्सरसाइज हमारी बॉडी को हेल्दी और पावरफुल बनाता है। एक्सरसाइज हमें रोज़ मॉर्निंग में कम से कम 30 मिनट करना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज अलग अलग टाइप से होती हैं, जैसे खेलना, रनिंग करना, घुड़सवारी, तैराकी। इन सभी चीज़ों को करने से हमारी बॉडी एकदम फिट रहती है। चिल्ड्रन, एक्सरसाइज हम लोग अपने घरों में भी कर सकते हैं। इनमें जैसे स्टैंडिंग जंप हो गया, हैंड रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, नेक रोटेशन, नी रोटेशन, हिप रोटेशन, या कोई भी योगासन जैसे सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, सर्वांगासन, शवासन। इस टाइप के एक्सरसाइज हम अपने घरों में रहकर भी कर सकते हैं। चिल्ड्रन, सारी एक्सरसाइज हमें मॉर्निंग में खाली पेट करनी चाहिए। एक्सरसाइज का सिलेक्शन हम बच्चे की एज कैटेगरी के अकॉर्डिंग करते हैं। इनमें जैसे जो बच्चे 8 से 10 वर्ष के बीच होते हैं, इनको थोड़ी हल्की एक्सरसाइज कराई जाती है। जो बच्चे 15 वर्ष के आसपास होते हैं, उनको थोड़ी हैवी एक्सरसाइज कराई जाती है। जो बच्चे 20 और 22 वर्ष के आसपास होते हैं, उनको हम और भी हैवी एक्सरसाइज करा सकते हैं। चिल्ड्रन, एक्सरसाइज हमें रोज़ मॉर्निंग में कम से कम 30 मिनट करना बहुत ज़रूरी होता है। चिल्ड्रन, एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी को जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें पॉइंट नंबर 1 है, एक्सरसाइज बॉडी का वेट कंट्रोल करता है। जिसका बॉडी वेट ज़्यादा होता है तो रोज़ एक्सरसाइज करने से बॉडी वेट एकदम नॉर्मल हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, एक्सरसाइज हमें हार्ट के रोगों से बचाता है। एक्सरसाइज करने से हार्ट का जो रोग होता है उसका असर कम हो जाता है। बीपी, जिसका हाई बीपी होता है, वह नॉर्मल हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, एक्सरसाइज हमारे माइंड में जो टेंशन होती है उसे कम करता है। रोज़ एक्सरसाइज करने से हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहता है, जिससे हमें टेंशन से बचाता है। पॉइंट नंबर 4, एक्सरसाइज हमें डायबिटीज
हाई ब्लड प्रेशर के जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाता है। पॉइंट नंबर 6, एक्सरसाइज रोज करने से हमारी बॉडी में किसी प्रकार का कोई पेन नहीं होता, हमारे जितने भी दर्द होते हैं सब एक्सरसाइज करने से दूर हो सकता है। पॉइंट नंबर 6, एक्सरसाइज हमारे माइंड को तेज करता है, एक्सरसाइज करने से हमारा माइंड खुलता है जिससे हम अच्छी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, एक्सरसाइज हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, हम एक्सरसाइज जब करते हैं तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ता है कि हमें लगता है कि हम इस काम को आसानी से कर लेंगे। पॉइंट नंबर 8, एक्सरसाइज हमें किसी प्रकार के नशे से दूर रखता है। पॉइंट नंबर 9, एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी किसी भी काम को करने में अधिक सक्षम हो जाती है। पॉइंट नंबर 10, एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी से पसीना निकलता है जिससे हमारी बाहर की जो स्किन होती है वह एकदम साफ लगती है। पॉइंट नंबर 11, जो लोग लगातार एक्सरसाइज करते हैं उनकी लॉन्ग लाइफ हो सकती है, उनकी जो लाइफ है वह 4-5 साल आगे बढ़ सकती है। पॉइंट नंबर 12, एक्सरसाइज हमारी बॉडी के जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इससे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन एकदम अच्छे से होता है। नंबर 13, एक्सरसाइज करने से हमें नींद अच्छी आती है और हमारी जो बोन्स हैं हड्डियाँ इनको मजबूती मिलती है। नंबर 14, एक्सरसाइज बॉडी में होने वाले जैसे कैंसर आदि बीमारियों को कम करता है, एक्सरसाइज करने से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, एक्सरसाइज हमारी मसल्स को एकदम सही रखते हैं। चिल्ड्रन, ये मैंने आपको बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज के बारे में बताया। चिल्ड्रन, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अब मैं यही कहूँगा कि हमें रोज़ 30 मिनट 1 घंटा खेलने के लिए समय निकालना चाहिए, चाहे गेम कोई सा हो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन या कोई भी एक्सरसाइज, जिससे हम स्वस्थ रहें। आज मैंने आपको बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज के बारे में बताया। धन्यवाद।